बुरहानपुर में 28 अगस्त को नगर निगम के सम्मेलन में हंगामे के बाद जब अध्यक्ष देवक अपनी सीट पर नहीं पहुंची तो कांग्रेसी पार्षदों ने नारेबाजी करते हुए उन्हें सीट पर आने को मजबूर किया, जिसका भाजपा ने विरोध किया। वहीं उनके लंच ब्रेक के बाद भी सम्मेलन में नहीं आने पर विपक्षी पार्षदों ने नारेबाजी की, जिस पर नाराजगी जताते हुए भाजपा ने कहा कि यह असंवैधानिक है। वहीं अध्यक्ष से मिलकर पार्षदों ने कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने जो 28 तारीख को परिषद सम्मेलन हुआ था और आसन के आसन को जैसे आसन पर जिन्होंने आकर विरोध किया उनको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है कि उनके खिलाफ अब क्या हो सके, तो मैं इसको लेकर सचिवालय को इसको लेकर कार्रवाई करने हाँ तो जो भी निर्णय हुआ देख जो भी निर्णय रहेगा वो तो लिया जाएगा। क्या हुआ था 28/4 के दिन हमारा नगर निगम का साधारण सम्मेलन था ऑडिटोरियम में, सभा के अंदर कुछ परिस्थितियाँ वैसी हुई थी, विवाद विवाद वाली स्थिति हुई थी, तो सभापति जी ने सदन स्थगित किया था 3:30 बजे तक। लेकिन क्या हुआ था कि 3:30 बजे के समथिंग जो विपक्ष के कांग्रेस के पार्षद है उबेश शेख, वो वकील है पेशे से, न्यायपालिका सबसे अच्छे से ज़रा जानते हैं, लेकिन वो सभापति जी को लेने के लिए सभापति जी आसन पे आओ वो कार्यालय कक्ष तक के गए और वहाँ को लेकर कार्यालय कक्ष तक के गए और वहाँ से आने के बाद में कहे, मेरे कहने का मतलब है आप इतने अच्छे वकील हो, ये हो, आप न्यायपालिका को हमारे से ज़्यादा जानते हो, आप असंवैधानिक तरीके से ये चीज़ें कर रहे हो, तो ये चीज़ों के ऊपर रोक लगे, इसके लिए हमने आज सभापति जी को आवेदन दिया।